नमस्कार फाजिलका, मैं अमृत सचदेवा ते तुसी देख रहे हो सरहद केसी लाइव। आज मैं तुहानू लैके आया फाजिलका सरकारी हॉस्पिटल जिथे पहुंचे ने फाजिलका दे एमएलए नरेंद्र पाल सिंह सवना, जिहड़े कि थोड़ी ही देर दे विच एक नवी एम्बूलेंस जिहड़ी कि बेसिक फैसिलिटी नाल लैस है वह एम्बूलेंस इत्थे हुणे वह रिलीज़ करन जा रहे ने। एम्बूलेंस ही नहीं, इत्थे होर भी कई आधुनिक मशीनां एमएलए सवना वालों लोकार्पित कीते जानिया ने। तुसीं देख सकते हो कि होस्पिटल स्टाफ वालों एमएलए सवना जी का स्वागत किया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उन्होंने वालों एमएलए सोना जो इतने अज उद्घाटन किया जा रहा उनकी जानकारी दी जा रही है। नाल ने डॉक्टर बबीता तुम दस दिए कि यह जी मशीन ने आईसीआईसी बैंक के सहयोग न मुहैया करवाई गई ने। 5 ईसीजी मशीनस ने, 2 इनक्यूबेटर, तो तुम देख सकते हो कि 2 यार मैंने 5 घंटा हो गया मैंने दवाई को लेके चले लगा था बड़ा ये बात है किसी डॉक्टर ने की कौन दिया लग रहा सारा कुछ फिर ये बात है कि पहले जो उन्हीं नंबर का मेरा भी ऊपर लाइन में गया हूँ पढ़ने कौन से भाई मेरा कर दो अबे तो दिन को 5 घंटा हो गया हाँ ए डॉक्टर को ले गया मैं पढ़ने के लिए जाने नहीं मैंने डॉक्टर को ले ये बाहर लेके चमचे के देख सकते हो कि एमएलए सवना जी हॉस्पिटल आया देख के मरीज भी अपनी जी परेशानियां ने समस्यावां ने लैके उन्होंने नाल मुलाकात कर रहे ने। हालांकि प्रशासन वालों सिविल हॉस्पिटल प्रशासन वालों इन्हों का जरा कि जवाब देने की कोशिश की जा रही है। सवना जी वालों उन्होंने आश्वस्त किया जा रहा है कि उन्होंने इतने पूरा जरा बंदा इलाज है वह मुहैया करवाया जाएगा। तुसीं हुण उन्हें देखा कि एमएलए नरेंद्र पाल सिंह सवना वालों हॉस्पिटल दे विच जस्ट हुणे ही आईसीआईसी बैंक के सहयोग नाल 5 मशीनां जिहड़ियां कि ईसीजी वास्ते दित्तियां गईयां ने, 2 इनक्यूबेटर ते 2 मोबाइल एक्सरे मशीनस लोकार्पित कीतियां गईयां ने। हुण मोचल साइड ते एमएलए सवना जा रहे ने, उत्थे भी कोई ना कोई एक इवेंट उन्हां दा इंतजार कर रहा है।
मोर्चे दे विच जो बॉडी नू सेफ रखने वास्ते प्रबंध किए गए ने उन्हें जानकारी ते आईसीएसी वालों जो फ्रिजर मुहैया करवाए गए ने उन्हें जानकारी हॉस्पिटल स्टाफ वालों उन्हें मुहैया करवाई जा रही है। दस दिए कि मशीन लोकार्पित करने तो बाद एमएलए सवना वालों हुण एम्बूलेंस रिलीज की जाएगी, जिहड़ी कि नवी एम्बूलेंस आईसीआईसी बैंक वालों मुहैया करवाई गई है। आईसीआईसी के जिहड़े प्रतिनिधि इत्थे पहुंचे ने उन्हां वल्लों जानकारी दित्ती जा रही है सवना जी नूं कि आईसीआईसी फाउंडेशन वल्लों होर कड़े कड़े सेवा दे काम किए जाते हैं। हुण तुसीं देख सकते हो कि नवी एम्बूलेंस जिहड़ी कि बेसिक फैसिलिटीज नाल लैस है वह मुहैया करवाई जा रही है। आईसीआईसी बैंक के सहयोग नाल इस एम्बूलेंस नूं रवाना करन लगे ने एमएलए नरेंद्र पाल सिंह सवना। चाबियां सौंपिया जा रही ने होस्पिटल स्टाफ नूं, डॉक्टर बबीता, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर एरिक। फ्लैग आउट करके नवी एम्बूलेंस एमएलए सवना जी वालों रवाना की जा रही है। तुम देख सकते हो कि डॉक्टर नीलू चुग भी मौजूद ने, होर जरा हॉस्पिटल सारा स्टाफ है, एमएलए सवना के साथी भी इतने मौजूद ने, नाल रजिंदर जलंधरा। तुसीं देख सकते कि फ्लैग आउट कर दिता गया है ते नवी एम्बूलेंस एक फाजिलका हॉस्पिटल होर मिल गई। तुसीं देख सकते हो कि तीन एम्बूलेंस हॉस्पिटल कोल ऑलरेडी हैगियां ने, जिंदे च एडवांस्ड फैसिलिटी वाली एम्बूलेंस भी मौजूद है।
हूँ एम एल ए सबना सिविल होस्पिटल के जो एस एम ओ का जो कैबिन है उस वल जा रहे ने। तुम देख सकते हो कि फाजिलका के जोड़े कि लोग ने अपने एम एल ए रस्ते से जिते मर्जी रोक के उन्होंने गलबात करते हैं, अपनी समस्यावां दसते हैं, मुलाकात करते हैं। सवना जी जिहड़े विधायक फाजिलका ने वह हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, तो एक परंपरा निभाई जा रही है उन्होंने मुख्य सीट पर बिठाने की, लेकिन उन्होंने वालों अहुदे का सन्मान करते हुए इस मुख्य सीट की बहन की बजाय होर सीट ही मंजूर की गई है। करांगे सवना जी नाल गलबात। सिविल होस्पिटल फाजिलका जिदे वाल साडा विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहिंदा है, जिदे सुधार वाल, और तुसीं देखिया होना है पिछले सवा साल दे विच जो सिविल होस्पिटल एक चिट्टा हाथी बन के रह गया सी, कोई इत्थे डॉक्टर्स या कोई जिहड़ियां इलाज लई जां कोई किसी टेस्ट लई मशीनां इत्थे नहीं प्रोवाइड सीगियां, वो सवा साल दे विच वेखो जिहड़ियां कमियां सी वो लगभग सारियां पूरियां कीतियां गईयां। सब तो पहला जिहड़ी बहुत वड्डी प्रॉब्लम आउंदी सी एक्सरे दी मशीनां खराब हुंदियां सी और नवीं लवाईयां गईयां, उस तो बाद अल्ट्रासाउंड दी मशीनां वह नवीं लगाईयां गईयां और डायलिसिस दी मशीन जिहड़ी है वह नवीं लगाई गई। इस तो अलावा जिहड़ी बहुत वड्डी डिमांड लोकां दी सीगी कि सिटी स्कैन कराउण लई लोकां नूं बाहरले वड्डे शहरां दे विच जाणा पैंदा सी, तो 3,000-4,000 तक दे जिहड़े उह स्कैन उत्थे हुंदे सी, अज वेखो लगभग ओनली 500 रुपए दे विच उह जिहड़ा सिटी स्कैन है इत्थे फाजिलका दे विच हो रहा है। तकरीबन 1361 सिटी स्कैन 2 मार्च तो लैके हुण तक इत्थे हो चुके ने, और तकरीबन 20 लाख रुपया जिहड़ा लोकां दा इहदे विच बचिया है, जिहड़े बाहरले शहरां दे विच जाणा पैंदा सी जां प्राइवेट जिहड़ियां जिथे भी कोई इहनां दे सिटी स्कैन हुंदे सीगे उत्थे जाके करवाउणा पैंदा सी। इह बड़ी वड्डी सहूलत जिहड़ी सरकारी होस्पिटल जिहड़ा फाजिलका दा उत्थे मिली है लोकां नूं, और जिहड़े डॉक्टर ने इत्थे दे बहुत वधिया काम कर रहे ने, कोई सर्जरी है कोई इंजर्ड हो जांदा है या कोई किसी दे फ्रैक्चर हो जाता, सारे जिहड़े सर्जरी ऑपरेट है सारे फाजिलका दे विच ही हो रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब दस रहे थे कि फाजिलका होस्पिटल दे विच अबोर, मलोट, मुक्तसर साहब और गुरुवर साहिब जलाला दूर दूर तो जिहड़े इलाज कराने लई लोग आ रहे हैं, बहुत वड्डा फायदा जिहड़ा मैं समझदा आस पास के इलाके नूं भी जिहड़े लोग ने जिहड़े उन्हां नूं हो रहा सरकारी हस्पताल दे विच। हुण डिमांड सीगी जो होस्पिटल दी एम्बूलेंस दी सीगी जिहड़े डी फ्रीजर बॉडी लई जिहड़े डेड बॉडी लई उन्हां दी लई सीगी और ईसीजी मशीनां ने या पोर्टेबल एक्सरे मशीनां उन्हां दी जो डिमांड सीगी, और असीं टाई अप कीता ICICI बैंक नाल, उन्हां दी जिहड़ी फाउंडेशन है ICICI फाउंडेशन, मैं धन्यवाद करदा उन्होंने जिहड़ी हैल्प की है साडी सरकार दी जिहड़ी सानू एक एम्बूलेंस और 5 ECG मशीनस जिहड़ियां कि जिथे भी पेशेंट जिहड़े भी वार्ड दे विच एडमिट है उत्थे जा के ही ECG दा जिहड़ा उन्हां दा टेस्ट किया जा सकता है। इस तों अलावा 2 एक्सरे मशीनां पोर्टेबल, कई पेशेंट जिहड़े एक्सरे रूम तक नहीं जा सकते तो उन्होंने पोर्टेबल जिहड़ा उस जिथे भी कोई एडमिट है उस वार्ड दे विच उह जिहड़ी मशीन जाऊगी तो वह जिहड़ी एक्सरे है वह कर सकती है। इस तों अलावा होर भी जो भी डिमांडा सानू पता लगदियां ने, कोई कमी पता लगती है तो नाल दी नाल ही असी साढ़े सरकारी हस्पताल दे विच ओ कमी पूरी करन लई असी नाल दी नाल कोशिश करते हैं। सो अज सवा साल दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते कम
सरकारी होस्पिटल फाजिलका दे विच होया है। बहुत वधिया साडे डॉक्टर्स की टीम है, सारे डॉक्टर इत्थे उपलब्ध ने, जिहड़े साडे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जिन्हां दी बहुत वड्डी कमी सी उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया इत्थे, उन्हां दी जिहड़ी कमी है वह भी पूरी कर दित्ती गई है। चमड़ी रोगां दे जिहड़े माहिर डॉक्टर ने वह नहीं सीगे वह भी आ चुके ने, हुण हर तरह के डॉक्टर इत्थे जिहड़े है प्रोवाइड करवा दिते गए ने। और मैनू लगता है 3 to 4 गुणा ज़्यादा जिहड़े लोग सरकारी होस्पिटल फाजिलका अपना इलाज कराने आ रहे हैं। मैं तो आप उस दिन अपने दंदा की कोई चैकअप करवाना सी तां गवर्नमेंट होस्पिटल दे विच ही इत्थे डॉक्टर साहब को ही करवाया। सो बहुत वधिया इत्थे इलाज है जो प्रबंध किया गया इलाज का। सो मैं विश्वास दवाना मेरे इलाके के फाजिलका हल्के के लोगों नूं, जो भी कोई होर भी कितने भी कमियां रह गई ने वह भी असी जल्द पूरियां करांगे। पिंडा दे विच असी जिहड़े आम आदमी क्लीनिक वह खोल रहे हैं, 6 ऑलरेडी खुल चुके हैं, अगे आने वाले दिनों दे विच होर भी असी वो जिहड़े आम आदमी क्लीनिक खोलांगे जिहदे विच आम लोगों के फ्री इलाज किया जाता है, बिल्कुल मुफ्त टेस्ट किए जाते हैं, बिल्कुल मुफ्त उन्हों का चैकअप किया जाता है और बिल्कुल मुफ्त उन्होंने दवाइया मुहैया करवाई जाती हैं। एमएलए साहब बहुत वधिया गल है भी इन सुविधावां इत्थे दित्तियां जा रही, लेकिन एक होस्पिटल की परेशानी है इसके बारे लैटर भी जा चुका है होस्पिटल वालों कि इतने गुंडागर्दी वारदातें बहुत होती हैं, उनके वास्ते चौकी की डिमांड की गई, लेकिन वो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। मैं तो पहला बेनती करांगा लोगों नूं कि भरा भरा नाल छोटी छोटी गल ते लड़ रहा है, रिश्तेदारां दे आपस में लड़ाइया हो रही, छोटिया छोटिया गलों तो मैं तो बेनती करांगा सहनशीलता जी अजकल लोगों के जी नहीं रह गई, सहनशीलता रखनी चाहिए है। उस दिन वेखो जो भी होया किसी कारण भी कोई झगड़ा से किसी का बहुत गलत होया, हालांकि पुलिस भी नेड़े सीगे, पुलिस ने आके उन्होंने जोड़ा छुड़ाया। सो इत सिक्योरिटी प्रोवाइड है, जो भी कोई सानू इनफॉर्मेशन मिलती है नाल दी नाल ही जिहड़े PCR साडी इत्थे प्रोवाइड रहिंदी है नाल दी नाल ही मौके ते पहुँच जांदे ने। और जिहड़ी चौकी दी गल है इहदे लई असीं डिमांड असीं सरकार नूं अपने माननयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं भेजी है, बहुत जल्दी जिहड़ियां नवीआं हुण भर्तियां होण जा रहीआं ने। उस तों बाद जिहड़ा मैं जिहड़ी साडी कोशिश है चौकी दी उह वी इत्थे असीं प्रोवाइड करवावांगे। सर एक और मुद्दा, तुसीं आम आदमी पार्टी क्लीनिक आम आदमी क्लीनिक दी गल कीती है, इक पिछले दिन मुद्दा उठा सीगा जिहड़ा परमानेंट स्टाफ है उनकी जगह आम आदमी कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती किए हैं, एक डिमांड उठी थी भी उन्होंने उत्थे परमानेंट स्टाफ दिता जाए, ना कि आम आदमी क्लीनिक खोल के उत्थे कॉन्ट्रैक्चुअल लाते फिर परमानेंट किथे जाएगा, बाकी स्टाफ किथे जाएगा। देखो अज 1.25 साल होया है, तो 1.25 साल दे विच वेखो किन्ने डॉक्टर्स नवे आम आदमी पार्टी की माणयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई वाली सरकार ने इत्थे डॉक्टर भर्ती किए हैं, होर भी निचले लैवल के जोड़े स्टाफ है उन्हों दियाँ भी भर्तियां जड़िया हो रही ने, और जड़िया होने वाली ने वह भी आने वाले दिनों के जड़िया भर्तियां हो। हालांकि वेखो आम आदमी पार्टी की सरकार किनिया जॉब्स प्रोवाइड करवाइया ने पंजाब दे विच, ये जड़िया पिछलिया सरकारां दी ड्यूटी बनती सी कि होस्पिटलों के चाहे कोई पिंडां दे विच डिस्पेंसरियां ने सारी जगह जिहड़ा स्टाफ है वह पूरा होना चाहिए, पर कोई स्टाफ किते भी सानू वेखण नू जदों सरकार आई तो लभदा ही नहीं सी। सो हुण हौली हौली करके जिहड़ियां सारियां भर्तियां पूरियां कर रहे हैं, चाहे आम आदमी क्लीनिक है, चाहे कोई छोटी डिस्पेंसरी है, चाहे होस्पिटल है, आने वाले कुछ सालों के 1-2 सालों के सारियां भर्तियां पूरियां करके हर थान पर जिहड़ा स्टाफ है प्रोवाइड करवाया जाए। ICICI वालों जिहड़ा सहयोग किया जा रहा उहदे बारे की कहोगे? मैं ICICI फाउंडेशन इन्हों का बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने टाई अप किया सी और इन्होंने हैल्प की है होस्पिटल दे विच, जो बहुत ही शुकराना मैं इन्हों का करदा। और ये साड़ी भी ड्यूटी बनती है, सारिया की ड्यूटी बनती है, जिहड़ा आपां समाज सेवा दे विच काम करते हैं वध चढ़ के इस तरह आपां भी सारे रल मिल के समाज सेवा दे विच योगदान पाइए, मैं बहुत धन्यवाद करदा इन्हों का जी। थैंक यू सर। ICICI बैंक के अधिकारियों नाल गल करांगे कि जो अज का इवेंट है वह किहो जा रहा है, आने वाले दिनों होर की उपराले किए जाएंगे। सत श्री अकाल जी, ICICI फाउंडेशन जो ICICI बैंक का CSR पार्ट है,
असीं जो भी हैगा सोशल सैक्टर दे विच काम करदे आ। अज जिहड़ा हैगा सी हॉस्पिटल दे विच इक तां एंबूलेंस हो गया, 5 ईसीजी मशीनस हो गईआं ते 2 इनक्यूबेटर ने जिहड़े ओह डोनेट कीते ने। इस तों बाद होर डिस्ट्रिक्ट दे विच वी काम चल रहा, होर डिस्ट्रिक्ट की मतलब ऑल ओवर जिहड़ा इंडिया ओहदे विच साडा काम चल रहा। साडे 2-3-4 तरहां दे प्रोजैक्ट हैगे ने। इक तां हैगा ICICI अकैडमी फॉर स्किल्स जिहदे विच असीं स्टूडेंट्स नूं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिंदे आ। 8 ट्रेड्स ने उहदीआं, 2 नॉन टैक्नीकल ने, 6 टैक्नीकल ने। उहदे विच कोई भी 18-30 साल तक का मुंडा कुड़ी उत्थे जाके ट्रेनिंग लै सकदा है, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਉਹ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਡਰੈਸਿਸ ਵੀ ਐਂਡ ਵਰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 100% ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਟਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬੈਂਕ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਐਰਿਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਸਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ICICI ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ 5 ECG ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ICICI ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।